उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से यूपी बोर्ड की परीक्षा में हुई धांधली की खबरों के बाद यह साबित होने लगा है कि योगी सरकार की यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने की सारी कवायद पर पानी फिर चुका है। इसी कड़ी में तमाम जनपदों से आई खबरों के बाद कौशाम्बी में भी यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान बाहर से लिखकर लाई गई कॉपियों को बदलने का बड़ा खेल पकड़ में आया है। यहां सैनिक कोतवाली अंतर्गत अजुआ स्थित श्री हरिओम साहू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हाईस्कूल गणित की परीक्षा संपन्न होने के बाद विद्यालय प्रबंधक द्वारा गेट पर बाहर से लाई गई कॉपियां बदलने का प्रयास किया गया। परीक्षा केंद्र में मौजूद स्टैटिक मजिस्ट्रेट सूर्य प्रकाश गुप्ता ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घेराबंदी कर बाहर से लाई गई कॉपियों को जब्त कर लिया गया। इस बीच कॉपी बदलने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचा विद्यालय प्रबंधक संजीव कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बरामद सभी कॉपियों पर गणित के उत्तर लिखे हुए मिले, कॉपियों पर रोल नंबर भी दर्ज है। डीआईओएस और एसडीएम ने परीक्षा केंद्र में ही बरामद कॉपियों को सील करने के बाद पुलिस की सपोर्ट कर दिया। स्टैटिक मजिस्ट्रेट सूर्य प्रकाश गुप्ता की तहरीर पर विद्यालय प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा लिख कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र सिंह के मुताबिक जिस विषय की कॉपियां बरामद हुई हैं, उसकी परीक्षा निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र को भी डीवार करने की संस्तुति बोर्ड को भेजी जा रही है। लिखी हुई कॉपियां पकड़ी गई हैं और केंद्र स्थापक के खिलाफ हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और जिनकी कॉपियां पकड़ी गई हैं उनको परीक्षा निरस्त करने की जो है कार्रवाई और केंद्र को डीवार करने की संस्तुति करने की कार्रवाई की। राहुल भट्ट, जनमत न्यूज, कौशाम्बी।